हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे मिक्सर ग्राइंडर में बिल्कुल 2 मिनट में बहुत ही प्यारी सी केक। तो इसके लिए मैंने पहले दही को इसमें डाल दिया, आधी कटोरी दही और आधी कटोरी घी ली है, और उससे एक चम्मच मैंने चीनी, इसमें थोड़ा सा इलायची दाना भी है जो हम पूजा के लिए यूज़ करते हैं, तो वेस्ट करने से अच्छा उसे भी हम यूज़ कर लें। और इसे मिक्सर जार में बिल्कुल 1 मिनट के लिए अच्छे से ग्राइंड करेंगे। देखिए, अभी इसमें मैं जो ड्राई इंग्रीडियंट्स है, मैंने 1 कटोरी आटा लिया है, क्योंकि आटा का बना लें मैदा का नहीं, तो ये कल जो मेरा नापा हुआ है। और इसमें हम देंगे चॉकलेट पाउडर, चॉकलेट केक है इसलिए। अब इसमें अब हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिलाएंगे, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर इसे हम छान लेंगे, ताकि जो मोटे मोटे जो ये ग्रैनुल्स है वो साइड हो जाए। इसे अच्छे से करके हम इसमें छान करके फिर हम सारे जो ड्राई इंग्रीडियंट्स हैं उन्हें जो मैंने मिक्सर जार में मिलाया था उसी में सारे को डाल देंगे। सारे ड्राई इंग्रीडियंट्स को सारे वेट इंग्रीडियंट्स में मिला देंगे। और अब हम इसे दूध लेंगे, आधी कटोरी मैंने दूध लिया, जिसे आप अपने अंदाज से एक बार में ही डालना है, थोड़ा थोड़ा कर करके डालना है और बस ग्राइंड करना है। और जब आप ग्राइंड करिएगा तो देखिएगा कितनी अच्छी इसकी रिबन लाइक कंसिस्टेंसी हो चुकी है। तो है ना, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान। और इसके लिए अगर मेरे पास बेकिंग पेपर नहीं है तो हम लोग एक मॉल्ड भी ले लेंगे, और उस मॉल्ड को पहले ग्रीस कर लेंगे घी से या कोई भी ऑयल से, और उसके ऊपर सूखा आटा ऐसे डस्ट कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा है उसको वापस रखेंगे। अब आपका बेकिंग मॉल्ड तैयार हो गया, अब इसमें मैं डालूंगी। और हाँ, इसमें मैंने वनीला एसेंस भी डाला, जो शायद मैं वीडियो में डालना भूल गई हूँ। इसे टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल सारे निकल जाए। और मैंने प्री हीटेड ओवन में इसे 30 मिनट के लिए बेक किया, और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से बेक हो चुकी है, और बहुत ही अच्छे से निकल भी गई है, डिमोल्ड हो चुकी है। अब इसे आप चाहे तो क्रीम से या किसी भी चीज़ सजा सकते हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा क्रीम यूज़ नहीं किया, तो मैंने सिर्फ चॉकलेट सिरप से सजाया है। और मेरी बेटी को ये टॉफी बहुत पसंद है, तो मैंने इसके ऊपर से टॉफी लगाया है।